हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिकेट टेल्स विथ मनन माया। मोटेरा स्टेडियम नहीं, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में क्रिकेट का पहला दिन काफी एक्साइटमेंट से भरा रहा, वैसा नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा रहा जिसमें इंडियन टीम का दबदबा रहा। इंडिया ने डोमिनेट किया। टॉस हार के पहले बॉलिंग करते हुए इंडिया ने इंग्लैंड को 112 रन में ऑल आउट कर दिया। अक्षर पटेल ने 6 विकेट ली। आम गुजराती माँ कहवाई ने सरदार ना स्टेडियम माँ पटेल नो पावर एम हाँ। और फिर इंडिया ने अच्छी बैटिंग की, रोहित शर्मा ने 50 मारी। लेकिन सबसे चुभा जो पॉइंट स्पेशली मुझे एज अ विराट कोहली फैन, वो था कि दिन की आखिरी ओवर में कोहली बोल्ड हो गए जैक लिच की बॉलिंग में। कोहली ने इस इनिंग्स के साथ अब 35 इनिंग्स से इंटरनेशनल क्रिकेट में सेंचुरी नहीं मारी। उसके अलावा स्टेडियम काफ़ी बढ़िया था, बॉल स्पिन भी हो रहा था, अनइवन बाउंस भी हो रहा था, और लग नहीं रहा कि ये मैच 3 दिन से ज़्यादा चलेगी। उसके अलावा टॉकिंग पॉइंट्स ये है कि यहाँ पे नरेंद्र मोदी नाम का स्टेडियम है, लेकिन पानी फ्री में नहीं मिल रहा, बॉटल में नहीं मिल रहा, एक ग्लास के 10 रुपये लिए जा रहे हैं। LED लाइट्स, जिसकी काफ़ी चर्चा थी कि इंडिया का पहला स्टेडियम जिसमें LED लाइट्स होगी, वो लाइट्स 2 बार बंद हुई, मैच अटक गई। और कोहली ने सबको निराश किया, लेकिन उनके फैन ने उनको नहीं किया। एक जबरा फैन चालू मैच में स्टेडियम में घुस गया और उन्होंने कोहली के पास जाने की कोशिश की, लेकिन फिर उनके गुरु, उनके आइडल कोहली ने इशारों में कहा कि भाई रेवा दे, और वो फैन वापस चला गया। ऑल इन ऑल ये स्टेडियम तैयार है, रफ्तार थोड़ी अभी कम है, लेकिन जैसे जैसे टाइम जाएगा IPL, T20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप, ये स्टेडियम ग्रांड है, इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए रेडी है, और आने वाले समय में इट्स अ प्रॉमिसिंग डे के यहाँ पे हमें क्रिकेटिंग इतिहास की काफ़ी यादगार और मेमोरेबल मोमेंट्स देखने को मिलेगी। कल वापस मिलेंगे, देखते रहिए क्रिकेट टेल्स विद मनन माया।